सारा का सारा बीजेपी है, सिर्फ हम लोग ही बचा है। तो आप देखिए, मैंने उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर का आते समय मैंने बोला है, काफी बीजेपी का लीडर भी था, चर्चा में मैंने बोला है कम से कम कोप्टेड कोप्टेड वाला लोग तो लिमिटेड लो, बाद में ओरिजिनेशन देना शुरू करेगा तो आपका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। आज तो आप जोड़ रहे हैं, तो इसलिए इस प्रकार में हम लोग सीनियर सिटीजन जी रहा है, अपना ही कोई ठिकाना नहीं है कैरेक्टर। यहाँ पे अरुणाचल में जो सीनियर सिटीजन है वो आदमी का पावर ही अभी तक कराने के लिए मालूम नहीं है। जो मेरा फार्मर जो स्टूडेंट लीडर है, खास के आपसु के जो लीडर है, मैंने देखा है उसका नाक का सामने में रिफ्यूजी टीवी किन जैसे रिफ्यूजी का एक को जो है कैबिनेट में लाता है, क्लियर करता है। वो आदमी जमाना में उसको अपोज करता था, लेकिन उसका नाक का सामने में टीवी किन रिफ्यूजी को वापस कर दिया जाता है। और जो आदमी जमाना में करप्शन को लड़ता था, आज वो करप्शन को सजा ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वो करप्शन को इंक्रीज किया जा रहा है। एग्जाम्पल मान लो, बहुत सा मिनिस्टर ऐसे कि अरुणाचल पे बहुत सा ऑफिसर, बहुत सा इवन स्टूडेंट लीडर भी करप्शन को आगे बढ़ाता है। इसलिए मैं मानता हूँ अरुणाचल में करप्शन जो है एक बहुत एक महत्वपूर्ण है, और वो भी अंडरस्टैंड में करप्शन किया जा रहा है। तो चीज है कि यहाँ पे जितना बड़ा बड़ा बात करता है, कुछ भी बात करता है, करप्शन नहीं, लेकिन जो पावरफुल जो एक्शन ले सकता है, जो आदमी ऑथोरिटी है, वो करप्शन वाला को देख रहा है, सिर्फ देख रहा है, बोलता है कि हम ईमानदार है। अगर वो ईमानदार है तो उसको जो मॉनिटरिंग कीजिए ना, पैसा भेजा वाला को, एक तो है कि आप ये को जो है आप ऑडिट कीजिए ना। अरुणाचल पे एक रोड पे करीब साल में जो है 10 बार बिल बनता है, एक इलेक्ट्रिक पोल में करीब साल में जो है 20 बार बिल बनता है, यहाँ पे ऐसे चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ऐसे अभी फैल रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया का एक सबसे सुंदर और सबसे पीसफुल और सबसे यहाँ पे वॉल का एक ये भी क्या इंटेंशन भी डायरेक्शन भी वॉल का आदमी को यहाँ में भेजता है। मैं देखा है काफी फॉरेनर को भी, वो काफी फॉरेनर यहाँ पे टूरिस्ट में आता है, टूरिस्ट परपोज में आता है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एजेंसी भी बन के आने वाला मैंने मिला है, ये सब भी आप लोग मालूम नहीं होगा, मैंने मिला है। तो वो फॉरेनर है जरूर, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम कर देता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो आप सबको बुलाया है, क्योंकि आपसु ये सिटीजन जो अमेंडमेंट बिल है इसको हम लोग अपोज करता है। हम लोग हमेशा नेशो के साथ में हम लोग सपोर्ट हमेशा जारी रहेगा, हम लोग के साथ आप लोग भी हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। ये 2014 का 19 जुलाई 2014 में पार्लियामेंट में इसको चर्चा किया गया है, 23 ना 25 अगस्त में 2014 में इसको जो एक कमिटी संगठन बनाया गया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी के एक है, वो कमिटी अभी हर एरिया में घूम रहा है। तो अरुणाचल पे तो एक भी आदमी नहीं मिलेगा कि उसको सपोर्ट करता है। मेरे यहाँ पे अरुणाचल में काल प्रसंग मेरा भाई लोग योबिन को जो प्रोटेक्शन में निकल गया, काल परसों कुछ भाई लोग टीवी तीन को आएगा, काल परसों कुछ भाई लोग ये को चगमा रिफ्यूजी को आएगा, काल परसों कुछ भाई लोग मुस्लिम जो बांग्लादेशी को प्रोटेक्ट करने आएगा, काल परसों किसी नेपाली ग्रुप को प्रोटेक्शन करने आएगा। इसलिए ये चीज को खास करके मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, जो देश का खिलाफ काम करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करेगा, देश के अंदर में अरुणाचल के खिलाफ काम करेगा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके राइट है, आप जो भी करना है कीजिए, लेकिन अरुणाचल के बारे में आप चेरकानी नहीं कर सकता है। कोई भी संगठन किसी को भी लगने के लिए हम लोग क्षमता रखता है। तो अरुणाचल ऐसे जगह हो चुका है मेरे यहाँ में, अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर, अपना भाषा सब गायब हो रहा है। अरुणाचल ऐसे एक डेंजर एक सोसाइटी में जी रहा है,
नीचे में असम जो हम लोग जमीन को लेने का बात कर रहे हैं, ले भी चुका है, और नागालैंड नागा काउंसिल जो कमिटी है तिरप चांगलांग को अभी क्लेम कर रहा है। आज का पेपर में देखा है चाइना ऊपर में लेने का क्लेम करता है। कौन सा जगह में हम लोग डेंजर नहीं है? बांग्लादेशी अकेला का छोड़ दो, कौन सा जगह में डेंजर नहीं है? मेरा इंडिजिनस जो कल्चर डेंजर, भाषा डेंजर, मेरा ये जो है जमीन डेंजर, और इंटरनली भी कितना डेंजर है। तो मैं अरुणाचल के भलाई के लिए सोचना चाहिए। मेरे यहाँ पे करप्शन को अगर बात करने के लिए बहुत इजी है, लेकिन करप्शन आदमी को जो है सजा देने के लिए कोई भी काम नहीं करता है। सिर्फ फेसबुक में, मास मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और कोई भी सोशल मीडिया में सिर्फ लिखते मत रहो। आप